पीसमेकर का पांचवा एपिसोड रिलीज हो चुका है, जिस एपिसोड का नाम है द मंकी डॉल। इसके चार एपिसोड ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, जिनका लिंक आपको आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही मूवीज से रिलेटेड कॉन्टेंट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। एपिसोड के स्टार्ट में एक मीटिंग चल रही होती है इन बटरफ्लाइज पर, कि ये बटरफ्लाइज क्या चीज है और ये कैसे ह्यूमन बॉडी में काम करते हैं और उनका यूज करते हैं। पर मीटिंग के बीच में ही पीसमेकर जॉन से झड़प होने लगती है और वो उसे काफी चीखने चिल्लाने लगता है। जॉन भी उसकी बातों का जवाब दे रहा होता है, पर मर्ड दोनों को चुप कराता है। साथ ही मर्ड उनको ग्लेन टाई कंपनी की जासूसी करने के लिए भेजता है, क्योंकि उस कंपनी में इन बटरफ्लाइज के लिए फूड सप्लाई हो रहा था। दूसरी ओर जेल में ऑगी स्मिथ डिटेक्टिव से मिलता है और उन्हें अपने बेगुनाह होने की बात बताता है। वो उन्हें फिंगर टेस्ट करने के लिए भी कहता है। वो सारे फिंगरप्रिंट टेस्ट करते हैं तो उसमें ऑगी स्मिथ बेगुनाह पाया जाता है। साथ ही ऑगी पीसमेकर का नाम भी इन सब में लेता है। डिटेक्टिव जब उसके फिंगरप्रिंट चेक करते हैं तो उन्हें फिंगरप्रिंट मैच नहीं दिखते। दूसरी ओर पीसमेकर और बाकी टीम ग्लेन टाई कंपनी में जाती है, जहां पीसमेकर पहले तो बोलता है कि वो गोली नहीं चलाएगा, पर जैसे ही वो रिसेप्शन के अंदर जाता है वो एक रिसेप्शनिस्ट और एक गार्ड को सीधा गोली मार देता है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा हेलमेट होता है जो बटरफ्लाई और ह्यूमंस में डिफरेंस बता सकता था। वो रिसेप्शनिस्ट और गार्ड भी बटरफ्लाई होते हैं, इसलिए वो उन्हें गोली मार देता है। ये टीम दो टीम में बढ़ती है, जहाँ इस कंपनी के सारे एम्प्लॉइज मिली और उसके दोस्त के पीछे पड़ जाते हैं और वो एक रूम में बंद हो जाते हैं। पर दूसरी ओर से पीसमेकर आकर एक बॉम्ब से सबको मार देता है। इस बॉम्ब के धमाके के बाद वहाँ पर एक गोरिल्ला आता है और इन पर अटैक करने लगता है। ये वही गोरिल्ला होता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में टीवी पर देखा था, जो कि मिसिंग हो रखा था। ये भी एक बटरफ्लाई बन चुका होता है और उन बाकी बटरफ्लाइज की प्रोटेक्शन कर रहा होता है। पीसमेकर और बाकी सब उस पर कई सारी गोलियां चलाते हैं, पर उस मंकी पर कोई भी असर नहीं होता। साथ ही वो मंकी पीसमेकर को मारने वाला होता है कि जॉन आकर उस गोरिल्ला को चैनसों से मार देता है और ये सब वहां से अपना काम पूरा करके चले जाते हैं। जेल में ऑगी स्मिथ को छोड़ने के बजाय उसे फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर नए पुलिस गार्ड की चेंज कर दिया जाता है, जो कि मर्ड का आदमी होता है। साथ ही लियोटा पीसमेकर से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ काफ़ी बातचीत के बाद लियोटा अपनी एक बुक उसके घर छोड़ देती है और उसका एक हेलमेट लेकर चली जाती है। लियोटा मर्ड से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि मर्ड भी एक बटरफ्लाई है। मर्ड को पता चल जाता है कि लियोटा ने उसे देख लिया है और उसकी सच्चाई उसे पता चल चुकी है, तो वो उसे मारने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। यहीं पर ये एपिसोड का एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।